नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आज हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सीखने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज जगह का अनुवाद। तो देखिए, एक जगह जो होती है, प्लेस जो होता है, उसका अलग अलग जगह में उसका मीनिंग भी जो है ना अलग अलग लिया जाता है। किस तरह से हम लोग जगह का एक प्लेस के रूप में भी करते हैं, एक स्पेस के रूप में भी करते हैं, तो किस तरह से इसका अलग अलग मीनिंग जो है वो हम लोग अलग अलग जगह पे इसका यूज़ करते हैं, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सो हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, वहाँ कितनी जगह है, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश होगी हमारी हाउ मच, ठीक है ना। स्पेस इज देयर, हाउ मच स्पेस इज देयर, हाउ मच स्पेस इज देयर। तो यहां पे हमने जगह जो है उसके लिए स्पेस का यूज किया है, जगह के लिए। और कई जगह हम लोग जगह के लिए प्लेस शब्द का प्रयोग भी करेंगे, ये आपको देखना है इसमें मेन PLACE। सो हाउ मच स्पेस इज देयर, वहां कितनी जगह है। मेरे कॉलेज में एक जगह खाली है, मेरे कॉलेज में एक जगह खाली है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। वन पोस्ट हैज फॉलन वैकेंट इन माई कॉलेज, वन पोस्ट एक जगह, वन पोस्ट हैज फॉलन वैकेंट इन माई कॉलेज, इन माई कॉलेज। तो यहां पे एक जगह, एक का हमने अर्थ क्या लिया है वन, और जगह का यहां पे पोस्ट लिया है, ना कि प्लेस और स्पेस। तो हर वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का, ईच एंड एवरी वर्ड का, हर एक सेंटेंस में अलग अलग उसका मीनिंग होता है, अलग अलग उसका यूज होता है। सो वन पोस्ट हैज फॉलन वैकेंट इन माई कॉलेज। नेक्स्ट है, कश्मीर एक सुंदर जगह है। सो कश्मीर इज अ लवली प्लेस, कश्मीर इज अ लवली प्लेस, कश्मीर इज अ लवली प्लेस। तो यहां पे हम लोग जगह में स्पेस नहीं बोलेंगे, हम लोग प्लेस बोलेंगे। कहीं पे जगह के लिए हम लोग ने स्पेस का प्रयोग किया है, यहां पे प्लेस का प्रयोग किया है। दो नंबर सेंटेंस में हमने पोस्ट का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, पोस्ट का प्रयोग किया है। अब सुधार की कोई जगह नहीं है, देयर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज। अब देखिए यहां पे There is no scope. There is no scope for improvement. Improvement माने सुधार। There is no scope, यहां पे हमने जगह के लिए स्कोप का प्रयोग किया है, कोई जगह नहीं है। देर इज नो स्कोप, कोई जगह नहीं है फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार की। इज दैट क्लियर। तो यहां पे जगह के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, नो स्कोप का किया है। ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग कि देर इज नो प्लेस, देर इज नो स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट। नो, देर इज नो प्लेस फॉर इंप्रूवमेंट, देर इज नो प्लेस फॉर इंप्रूवमेंट। यदि मैं तेरी जगह होता, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यदि मैं तेरी जगह होता, वर आई इन योर प्लेस, वर आई
इन योर प्लेस, या काश की मैं तेरी जगह होता। तो यहां पे जगह के लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग किया है, प्लेस का प्रयोग किया है। यहां पे जगह के लिए हम लोगों ने प्लेस का प्रयोग किया है। सो बच्चों, यदि आप बिल्कुल घर बैठे जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप आरके कैंपस ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा, और वहां से हमारा कंप्लीट कोर्स जो है मात्र 50% का अभी ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, मात्र 499 रुपए में आप कंप्लीट कोर्स बिल्कुल सीख सकते हैं जीरो से, बिल्कुल जीरो से। सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो कि बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर है, सो मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।